and welcome to Center Fresh Chewing Gum presents Comedy Circus Ke Ajoobe. Rab jab jodiyan banata hai, to usme soul se soul milti hai. Lekin jab Comedy Circus wale jodi banate hain, to usme soul nahi, jhol hote hain. Aaj hamare artist aisi hi kai utpatang jodiyan banayenge. Hamare Rab ne bana di jodi special mein. वैसे इंडिया में बॉलीवुड भी जोड़ियां बनाने में माहिर है और आजकल बॉलीवुड में एक बहुत ही लेटेस्ट जोड़ी का हल्ला है. सो प्लीज वेलकम फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला के वेरी हैंडसम एंड स्टाइलिश इमरान खान विद द ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग अनुष्का शर्मा. छोड़ू, अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाद में कॉमेडी सर्कस की बेटी पहली हूँ मैं. लॉटरी कहेंगे. बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉमेडी की फनी लाइन में. जोरदार तालियां. चलिए सर, अपना काम करूं मैं. टिकट दिखाइए. अरे कोई फ्लाइट थोड़ी ना है. ओहो, बहुत बुरे हालात लग रहे हैं. ट्रेन की है तो वो दिखा दीजिए. बस भारती, बस. बस में सफर, बस की दिखा दो. चलो. देखो मुझे पता है ये कॉमेडी सर्कस है. जोरदार तालियां बजाइए, इनको पता है ये कॉमेडी सर्कस है. हाय अर्चना. हाय सोहेल भाई. हमारी फिल्म रिलीज हो रही है 11 जनवरी को, मटरू की बिजली का मंडोला. आप जाके देखिएगा प्लीज. आप प्लीज यार, इतना स्मार्ट लड़का बोल रहा है, आपको जाना ही पड़ेगा. जोरदार तालियां बजाइए इनकी फिल्म के लिए. एक बात पूछनी थी. हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो. फिल्म में बस आप ही हो, हीरोइन नहीं है कोई? अरे नहीं है तो सही. तो चलो फिर जोरदार तालियों से उसका भी स्वागत कर दो जो हमारी इंडिया की सेकंड नंबर पे खूबसूरत है, क्योंकि पहली तो मैं हूँ. जोरदार तालियां अनुष्का शर्मा के लिए. थैंक यू सो मच अनुष्का. बाय. इनकी फिल्म जरूर देखना. अनुष्का एंड इमरान, आई एम श्योर कि आपकी फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला हमें बहुत जल्द एंटरटेन करेगी, लेकिन फिलहाल हम आपको एंटरटेन करेंगे, तो प्लीज टेक योर सीट. रेल और पटरी की लव लाइफ लेकर आ रहे हैं मंत्रा एज रेल की पटरी विद पूर्वी एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स. देखिए जी, जिंदगी सुख दुख की गठरी है और कुछ लोगों के साथ सुखी सुखी और बाकियों को खुली पटरी है. और ये देख कर आप समझ गए होंगे कि आज मेरा नाम पटरी है. है जी, अभी अभी बना दो मिनट पहले. रखे हाल चाल इमरान भाई? एकदम बढ़िया जी. बहुत बढ़िया लग रहा है. आपका ट्रेलर देखा जी, मतरू के बिजली का मंडोला. थैंक यू. पहले तीन दिन तो टाइटल समझने में लग गए. और इमरान भाई का जो लुक है एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई, दाढ़ी मूछ वाला. वैसे भी ये समय की डिमांड है, दबंग हो या राउडी राठौर, रे बाहर खड़ा हो सिंगम कठोर, भले तलाश में हो आमिर का शोर, लेकिन हर कोई लगा रहा फिल्म हिट कराने के लिए मूछों का जोर. सही बोल रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है. और अनुष्का जी के तो डायलॉग डिलीवरी की हम दीवाने हैं जी, आपके इस पिक्चर का भी. और पिछले फिल्म में जब तक है जहाँ में आपने शाहरुख जी को क्या बोला था अभी मरने की क्या जल्दी है, अभी तो मुझे 10-10 अलग एक्सेंट वाले लोगों के साथ कॉमेडी करनी है. अरे कौन से स्टाइल की ट्रेन है भाई तू. चलो जो भी है भाई, जब से शाहरुख खान इसके ऊपर एक बार नाचा है ना, तब से भाव बढ़ गए इसके. क्या करने आई है, इतना लेट क्यों हो गई तू? अरे टाइम को मार गोली. अरे मैं लाइन पर तो आती हूँ, इसको तो वो भी साली याद नहीं रहती है. और अर्चना जी, लेट तो होना ही था, सिग्नल अपने लाल करके बैठा था, तो मैं क्या करूँ. और आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं ना यार्ड में मेकअप लगा रही थी इसलिए लेट हो गई. अरे इतनी बड़ी तेरे सामने अर्चना बैठी, तू 12 डिब्बों की छोटी सी ट्रेन, वो इतनी जल्दी तैयार होके आ गई, तू कैसे नहीं आई? हे अर्चना जी के बारे में कुछ ज्यादा मत बोल, जानती हूँ उनको, रोज हमारे ट्रेन में कॉमेडी सर्कस का सामान बेचने आती है वो. हाँ, अभी परसों ही चिल्ला रही थी, ले लो कुछ तो ले लो, सोहेल की पहनी हुई घड़ी ले लो, मेरी छोटी सी ड्रेस ले लो, या कपिल की 10-10 कृष्णा के झटके, भारी आइटम चाहिए तो है ना भारती हटके, ले लो ले लो. और अगर तुम लोग कुछ भी नहीं लेना तो साले फ्री की स्टैंडिंग ओवेशन ले लो. अच्छा कनेक्शन बिठा के रखा है. अरे क्या बात कर रहा है यार, मैं देश की धड़कन हूँ. धड़कन? अरे कौन सी धड़कन, मेरे को तो एक ही धड़कन पता है जिसमें अपने सुनील शेट्टी अन्ना थे. हाँ कौन सुनील शेट्टी? कौन कौन सुनील शेट्टी? हाँ भाई कौन? अरे वाह, धरती मेरी माँ सुनील शेट्टी.
Anyways, let's go. I also worked with Aamir Khan in the film. Aamir Khan, Gulam film. There was a race scene with me. They were racing with me. You know, Aamir Khan. Yeah. Who is Aamir Khan? You don't know Aamir Khan? You don't know Sunil Shetty? You don't know Aamir Khan? I don't know. Oh, Bollywood superstar. Imran Khan's mama is someone. It's his mama. That's good. Yeah. That's the one who made Talash film in the serious Chulbul Pandey. Yeah, right. अरे सबको जानती हूँ मैं सबको अरे अमिताभ को अलाहाबाद से मुंबई कौन लाया मैं धर्मेंद्र को पंजाब से मुंबई कौन लाया मैं शाहरुख को दिल्ली से मुंबई कौन लाया मैं यहाँ तक कि आफताब को मुंबई से वापस घर इंदौर कौन भेजा अरे बड़ी देर कर दी तूने उसे वापस भेजने में बड़ी स्लो है तू अरे ऐसे मत बोल जब गर्म हो जाती हूँ ना तो बहुत फास्ट हो जाती हूँ पूजा भट्ट की तरह कैसे धड़क 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 और जब पटरी ना ऐसे एक से दो हो जाती है ना हाँ। तो कंफ्यूज हो जाती हूँ बिल्कुल श्रीदेवी की तरह धड़क 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 वेरी नाइस और संकरी गली में अरे यार जब छोटी गली आती है ना तो अनुष्का शर्मा की तरह जीरो फिगर बन के एकदम पतली गली से निकल जाती हूँ ऐसे क्या बात है बहुत बढ़िया और जब स्टेशन आते हैं ना स्टेशन तो मैं एकदम स्लो हो जाती हूँ राखी जी की तरह धड़क 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 मेरे स्टेशन आएंगे मेरे स्टेशन जरूर आएंगे आपका पूर्वी जोशी शो खत्म हो गया तो इनका प्रमोशन कर दे जरा ओह सो 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 अरे अरे क्या बात कर रहा है इनके लिए मैंने अनाउंसमेंट करवाई है यार ट्रेन में यात्रीगण याद रखें मिट्टी के बुजुर्ग बुजुर्ला इनकी जो फिल्म है वो जल्दी आने वाली है मल्टीप्लेक्स में इसलिए प्लीज यात्रीगण कहीं पे उतर चार मल्टीप्लेक्स में देख लीजिए यार it's like that पिक्चर का नाम सुनाई नहीं दिया मिट्टी बुजुर्ग बुजुर्ला very lovely anyways I'm sorry I have to go मेरा बॉयफ्रेंड प्लेटफॉर्म मेरा इंतजार कर रहा है वेरी नाइस प्लेटफॉर्म आई एम डेटिंग जैसी तू एक्टिंग कर रही तेरे को अच्छे प्लेटफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है अरे समझा कर मेरी प्यारी अभी तू यंग है एक्सप्रेस है कर रही सबको इम्प्रेस है कल को मेल हो जाएगी मालगाड़ी बन जाएगी होता है सबके साथ होता है और याद रखना एक दिन तेरे को लोकल ट्रेन ही बनना है लाखों करोड़ों लोग चढ़ेंगे रोज उतरेंगे निकल लो इधर इधर सामने ओके यही जगह मिली थी तेरे को मरने के लिए यहाँ क्या करने आया और साले यहाँ योगा करने आया मरते मरते भी पंच मारेगा साले वो भी इतना गंदा सा मालूम है क्यों नहीं फूटा अनुष्का बैठी ना सामने अनुष्का की वजह से और नहीं तो क्या अरे जब तक है जहाँ मैं इनके चक्कर में शाहरुख खान का बम ना फूट पाया तेरा क्या बम खाक फूटेगा लेकिन बाहर निकल तेरा बम जरूर फूटेगा रखा मरने आया तू देखो मैंने जिंदगी में बड़े धोखे ही धोखे खाए हैं बेचारे ने बहुत धोखे खाए हाँ कल आम धोखे खाए हैं परसों अमरूद धोखे खाए थे I want to die. किसने मरना चाहती है क्या हुआ? क्या कारण वो नहीं होने वाला है क्या होने वाला है बच्चा तो वही इस बात पे कॉन्ग्रेचुलेशन है माँ बनने वाली और के नहीं शादी की पहले माँ बन रही हूँ अरे तो इतनी जल्दी किस बात की थी साले जल्दी मेरे को नहीं मेरे कमीने बॉयफ्रेंड को थी रे ऐसे बॉयफ्रेंड को तो ट्रेन के नीचे आके इसे पहचानती हैं आप यस यही है वो क्या हो गया मामला समझाओ एक्चुअली इसने मेरे को झूठ बोला चल भाग की शादी करते और जब बात भागने की आई तो थक गया और बोलता आज रात खंडर में गुजारते हैं शादी फिर कभी कर लेंगे एक सुनसान खंडर एक अकेली लड़की और तू मन में लड्डू फूटा तू क्यों नहीं फूट जाता साले है नहीं तो परेशान करके रख दिया ये इसके चक्कर में तू अपनी जान दे रही है अरे तुम लवर लवरियों के चक्कर में मेरी पटरी बदनाम हो जाती है इन्हें जब कुछ इंजॉय करना होता है तो छुपके छुपाते कहीं और जाते हैं और जब कुछ छुपाना होता है तो साले मरने के लिए यहाँ पर आते हैं साले एग्जाम में कोई फेल हो गया तो पटरी पे शादी के पहले माँ बन गई तो पटरी पे शादी के बाद माँ ना बन पाए तो पटरी पे रे जिसकी जिंदगी ना हो पटरी पे वो आ जाता है पटरी पे लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे भाई
हम कॉमेडी सर्कस वाले भी आ चुके हैं पटरी पे। तो चलिए शुरू करते हैं मटरू से। तो इमरान, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? मुझे बहुत 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 मजा आया। आपने जो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए, इट वॉज ग्रेट फन। अनुष्का, पूर्वी, आई लव यू, यू आर अ ग्रेट एक्ट्रेस। एंड मंत्रा, राजीव, यू ऑल वर्क फैब्यूलस। एंड द राइट अमाउंट ऑफ मटरू की बिजली का मंडोला वॉज, आई लव दैट पंच, मैं यू कुडंट सी द टाइटल ऑफ द फिल्म। ओके, मूविंग ऑन टू आवर जजेस, सुहेल। यू नो मंत्रा, फॉर यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नथिंग मंत्रा, यू हैव स्टूड देयर एज अ कैरेक्टर रिस्ट्रिक्टेड, यू नो, बाय अ बॉडी लैंग्वेज एंड परफॉर्म लाइक अ जीनियस टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अर्चना, कंग्रेचुलेशंस, आपने नए साल की शुरुआत इतनी बढ़िया एक्ट के साथ की। आई एम गोना गिव वन एक्स्ट्रा मार्क फॉर पूर्वी एंड मंत्रास परफॉर्मेंस टुडे। थैंक यू, 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। थैंक यू सो मच सुहेल, अनडाउटेडली, थैंक यू सो मच, 10 पॉइंट्स फ्रॉम सुहेल। प्लीज वेलकम कपिल एज जोड़ी मेकर, सरगुन एज हीरोइन एंड मुबीन एज अ रिच मैन। Hello! Oh my God! What a pleasant weather outside! How are you, Anushka darling? बुरा तो नहीं लगा, मैंने आते ही आपको सीधा अनुष्का बोल दिया। डार्लिंग तो हम लोग चलते रहता है, छोटी बहन को भी बोल देते हैं। बिशर्ते बहन इसकी होनी चाहिए, किसी की भी होनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। How are you, रणबीर? शर्मा शर्मा तो है, मतलब भाई बहन का मतलब रिश्ता हो सकता है। नहीं कोई मूड भी बनने दिया करो, बीच में आगे आपकी फिल्म चल रही होती हम बीच में बोलते कभी जागे। How are you, Ranveer? Very well, thank you. अरे ये तो अनुष्का। अरे ये तो इमरान है। ये क्या हो गया है ये? What is happening in front of my back? पहली बार आई रणवीर के साथ, अब इमरान के साथ। इनको लड़कियों को कोई पता नहीं चलता, हर फिल्म के लिए नया लड़का चाहिए इन लोगों को। हद होती किसी चीज की। पिछली बार जब रणवीर के साथ आई थी, कितना उसे गोद में गिर गिर के हंस रही थी, जैसे फिल्म का हीरो नहीं बुआ का लड़का हो सका। अभी देखो तो। और सर जी, आप भी तो पिछली बार कटरीना के साथ आए थे, आपको लगता होगा आप चलाको, आप चीट कर रहे हो। पिछली बार उसके साथ आए थे, इस बार अनुष्का के साथ, ये दोनों आपसे भी ज्यादा बड़ी चीटर हैं। चुपचाप जाके शाहरुख खान के साथ फिल्म करके आई दोनों। आजकल हो ही यही रहा है, एक फिल्म के बाद जोड़ी चेंज। कोई जमाना होता था पुराना, आपको तो पता है अर्चना मैडम। हमारे कलाकारों को तो क्रेज होना ही होना है, हमारे प्रोड्यूसरों का दिल नहीं भरा जब कोई सेलिब्रिटी आता आके बैठ जाते बीच में। दूसरा वाला कभी नहीं आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, कहीं चेक पे साइन ना मांग ले। इनका बहाना यही होता है, साइन लेना तो एक बाहर निकल जाता है। एक बाहर गया। फिर जब आदमी वापस चले तो फिर दूसरा बाहर आता, निकल गया। ये आजकल जमाना चेंज हो गया, एक ही फिल्म के बाद जोड़ी चेंज। कोई जमाना होता था एक हीरो एक हीरोइन 25-25 फिल्में साथ में, क्यों उसके पीछे रीजन होता था, क्योंकि पूरी फिल्म में हाथ पकड़ने तक का मौका नहीं मिलता था। आजकल पहली फिल्म में किसिंग सीन, क्रेज खत्म हो गए। और इमरान हाशमी का तो क्रेज इतनी जल्दी खत्म होता है, इंटरवल के बाद ही हीरोइन चेंज करनी पड़ जाती है। ये हाल है। इमरान कैसा लग रहा है बड़े बड़े टीवी कलाकारों के साथ बैठ के? खैर घर की बात है, बाद में कोई बंदा बाहर से आए बेइज्जती नहीं करते। आप दोनों हमारे सेट पे आए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी नई फिल्म आ रही है। मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ आपकी फिल्म बड़ी हिट हो। क्या नाम है? हरे हरे मटर का गजरेला, नहीं सॉरी मटके की कुल्फी का मैंगोला। अरे इनकी फिल्म का नाम है मटरू की बिजली का मंडोला। ये देखो कॉमेडी सर्कस का टकलू बोला, तेरे को क्या बे? खैर आपकी फिल्म हिट हो बहुत, मैं आपको बताऊं, मैं हूं जोड़ी मेकर, जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है, बड़ी बड़ी जो फिल्मी हीरोइन होती है मैं उनको बिजनेसमैन लड़के ढूंढ के देता हूं। आजकल चल ही यही रहा है, वादे करती हीरो के साथ, शादी करने की वक्त आई तो डॉक्टर नेने, टी का मालिक, टीवी का हेड। आप कहो तो आपके लिए एक बिजनेसमैन लड़का ढूंढ के हूं। अनुष्का सही बिजनेसमैन, बंदा अभी उसने शुरू नहीं किया लेकिन बोल रहा है, बोलता है मैं जल्दी बिजनेस शुरू करूंगा और कॉमेडी उसने छोड़ देनी है। और देखिए प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, आपको सरनेम भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, शर्मा का शर्मा ही रहेगा। बहन भाई बना रही थी ना मेरे को, अब लो। और मैं आपको खुला चांस देता हूं, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यू आर मिसेस कपिल शर्मा, मैं खुद बोला करूंगा आई एम मिस्टर अनुष्का शर्मा। प्रायोरिटी आपको, एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड? हेलो, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं अनीशा पटेल। झूठ मत बोलो, वो तो सामने बैठी हुई है इधर ऑडियंस में, इधर झूठ बोल रही है आप। एक्सक्यूज मी, बकवास मत करोगे, मैं अपनी जोड़ी बनवाने आई हूँ, मुझे लड़का चाहिए बिजनेसमैन करोड़पति, विद्या बालन के हस्बैंड के जैसा हस्बैंड।
एक्सप्रेशन तेरे श्रुति सेठ जैसे पति चाहिए तेरे को विद्या बालन के पति जैसा। सुनो तुम्हारे इधर तुम्हारे लिए मेरी नजर में एक रिश्ता है। जोली? हाँ वो अपने वो नहीं अपने महेश हट जी। हाँ? उनका बेटा वो राहुल हट। नहीं नहीं बड़ा बेटा पूजा हट। हेलो वैसे भी मुझे किसी फिल्म स्टार से शादी नहीं करनी, मुझे बिजनेसमैन चाहिए, बिजनेसमैन। क्या बात, बहुत अच्छा कर रही है आज। सुना मेरी बात, बिजनेसमैन लड़के ऐसे नहीं शादी करते। फिर उनको अपना नाम मत बताया करो, ऐसे नहीं करते वो लोग। अच्छा ठीक है, तो कटरीना कैफ चलेगा? ये तो फिर आप थप्पड़ खाने वाली बात कर रही हैं। ये क्या मतलब हुआ? आपको क्या लगता है आप लड़की यहाँ पे कोई हाथ नहीं उठाएगा? ठीक है हाथ नहीं उठाएंगे, पेड़ में मुक्का मारो मैं दबा के, खबरदार अगर नाम लिया तो। देखो मुझे नहीं लगता कि तुम किसी की भी जोड़ी बनवा सकते हो, ये झूठा है झूठा है झूठा है। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग पॉइंट? डायलॉग बोलते समय मुंह से थूक गिर रहा है, बड़े एक्टर। सुनो मेरी बात, मैंने किन किन का रिश्ता कराया क्या क्या बताऊं तुम्हें मैं? बताओ। उर्मिला का ले लड़का मैंने ढूंढा, लड़के ने उर्मिला को देखा, अब लड़का नहीं मिल रहा। मेरी जिंदगी में दो ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तो सलमान भाई की शादी करवा के उनकी लाइफ सेटल करानी, फिर मैं सलमान भाई को बोलूंगा भाई आपकी लाइफ सेटल हो गई, अब सोहेल भाई को बोल के मेरी भी कराओ, मेरी फिल्म शुरू कराओ। तुम सबकी लाइफ सेट कराओगे कि मेरी भी लाइफ सेट कराओगे? प्लीज मेरी भी शादी करवाओ, शादी करवाओ, शादी करवाओ प्लीज। ठहर जाओ दो मिनट। ओके अभी कोई मुर्गा फांसता हूँ तुम्हारे लिए मैं। हेलो, या एक बहुत बड़ी हीरोइन का रिश्ता है, सुपरस्टार है, अनुष्का शर्मा। डैम यू, एक्सक्यूज मी। ए ये अंडे ट्री जैसा मुंह लेके ऐसे थोड़ी जाती होती है, शादी के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। हाँ हाँ अनुष्का शर्मा का रिश्ता है जी। हाँ जी जी कोई जी जी ओके। आपकी बेइज्जती, आपकी तारीफ। अजय भाई में मसालों का हेट करने वाला लड़का। ओह माय गॉड, आप वो जो अपनी आड़ में खुद ही आते हैं। नहीं यार मेरा वो किधर गया, तुम्हें तो मैं ढूंढ रहा था बे। हम लोग ऐड देखने बैठे, लड़कियां आए, तू हमारा टाइम वेस्ट करता उधर आगे। अरे देखो मैं शादी करने के लिए आया हूँ, पैसे चाहे जितने ले लो लेकिन आइटम एकदम झकास होना चाहिए, कड़क। सुनो मैं तो लड़की कड़क ले आऊंगा पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रहो रहो, उसके लिए पहले फॉर्म भरना पड़ेगा आपका। अच्छा ठीक है, नाम क्या बताया आपने अपना? टीएच का लड़का। तो मेरे को पहचाना, मैं जी का बेबी मारा मुक्का तेरे साला पागल। ये फॉर्म भरिए जी, आपका डेट ऑफ डेथ। अरे डेट ऑफ बर्थ होता है। मेरे को पता, तुम कहां से लाओगे, उस टाइम पे तो कैलेंडर भी नहीं होते थे। पेन कहां गया मेरा? चलो इधर आओ, इधर आओ, बीपी चेक करवाओ। अबे चेक करना पड़ता है, इधर तुम्हारी शादी कर दूं उधर स्वागरात वाले दिन बीपी बढ़ जाए। ये लो दबाओ इसको। अरे ये तो डॉक्टर दबाता है। अबे दूसरे हाथ से दबा, ये हाथ खाली क्यों है? इसमें बेसन रख लड्डू बना है। देखो चेक करो अपने आप, दबाओ इसको। इसके दोनों फायदे होते हैं, एक तो तुम्हारा बीपी चेक हो जाएगा, दूसरा इससे तुम्हारी कार्डियो एक्सरसाइज होगी। अभी समझो मैं तुम्हें ट्रेडमिल पे थोड़ी ना भगाएंगे, थकना होगा इसी से थक जाओगे। चलो खोलो इसको, बीपी तुम्हारा थैंक गॉड खराब ही चल रहा है। इधर आओ, सांस टेस्ट करनी है, आखिरी सांस लो, लंबी सांस लो, बस 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 कल भी लेनी है, बस बस। एक बात बताइए आपकी इनकम कितनी है? 100 करोड़। 100 करोड़? हाँ। कितना बोला? 100 करोड़। एक मिनट जरा, 100 करोड़ की इनकम है आपकी? हाँ। साहिब आलम, आफ्ताब की रोशनी में इस नाचीज का चेहरा कैसा लगा आपको? ए तू लड़का है, आतिशबाजी को एंजॉय करिए, मत देख पटाखे को आग किसने दी, तेरे को क्या? आप बताइए आपको कैसी लड़की चाहिए अंकल? मेरे को एकदम जवान हीरोइन जैसी लड़की। जवान लड़की मतलब मेरी शादी अनुष्का से करवा दो, वो जिसकी फिल्म आई थी ना बैंड बाजा बारात। अरे उसकी अगले हफ्ते फिर फिल्म आ रही है। अच्छा क्या कमाल उसकी फिर, क्या हरे हरे ढोकले का थेपला नहीं विद्या के बालन का उल्लाला पता नहीं। हाँ क्या फिल्मी छोड़ो, मेरी शादी कराओ। आपको अनुष्का से शादी करनी ना? हाँ। ये रही अनुष्का। लेकिन ये पास से अनुष्का जैसी लगती तो नहीं है? पास से नहीं लगती, दूर से लगती, वो देखो। अजय नहीं नहीं, इससे बोलो कोई डायलॉग बोल के बताए तब मानूंगा। ये तो गलत बात है फिर, एक बेचारी सरगुन ऊपर से अनीशा पटेल, ऊपर से डायलॉग बोलने के लिए बोल दिया, ये तो गलत बात हो गई। ये अनीशा पटेल है?
लड़की सात फेरे लगी, आपको तीन लेने हैं। मेरे को तीन क्यों? अरे स्वागत भी तो मनाने के लिए, इधर ही थक जाओगे। चलो चलो, सुनो क्या है? सुनो, एक काम करो, मैं थका हारा आदमी हूँ, फेरे तुम ले लेना, स्वागत में मना लूंगा। ये जो फुल स्लीव तस्मा रखा, मैं उखाड़ के मुंह में दे दूंगा। मैं तुम्हारे चक्कर में मैं अनुष्का को छोड़ के इससे शादी कर लूंगा, निशा पटेल से। वाह, क्या मतलब? ये अनुष्का नहीं है, तुमने मुझसे झूठ कहा। हाँ, कौन नहीं झूठ बोलता आजकल के जमाने में। यर्चना मेरे को पता क्या कहती? कहती मेरी सलमान के साथ बड़ी दोस्ती है, अच्छी रोज फेसबुक पे चैट होती है। मैंने फेसबुक आईडी देखा, कटरीना की फोटो लगा के चैट करती है उससे। 3 साल से मुझे बोला जा रहा है फिल्म बन रही, फिल्म बन रही। कब बनेगी फिल्म, पूछो परमीत से। हर बार मैं सोहेल को देखती, तुम्हारा पति कौन सा रोज फिल्में बना रहा है। आती बड़ी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे, मेरी भगवान से रिक्वेस्ट है कि आपकी आने वाली फिल्म इस बार में सही मटरू की बिजली का दगड़ डोला। ये मटरू की बिजली का मन डोला, जोरदार तालियां। अर्चना कैसी लगा कि आपको ये परफॉर्मेंस? थैंक यू। कपिल मेरे भाई, यू वर अमेजिंग, ऑन फायर, हर लाइन में एक पंच था। 3 of you together, एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू मैम। Happy New Year from Kapil to all of us. Anushka, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? सरगुन, यू वर ऑसम, बिकॉज आप जो ये बीच बीच में जब वो लोग बात कर रहे हैं, आप अपना यू नो लाइक एन एक्ट्रेस अपने में घूमे। एंड मुबीन, आप भी बहुत अच्छे थे, थोड़े से क्रीपी थे पर अच्छे थे। एंड कपिल, आप तो मतलब आपका तो क्या कहना, आई थिंक देयर समवेयर आप में इतना कॉन्फिडेंस है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस लवली परफॉर्मेंस। थैंक यू अनुष्का। इमरान भाई, आप तीनों ने अपने कैरेक्टर्स को इतने अच्छे तरह से इंट्रोड्यूस किया, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस आप तीनों से, वेरी ग्रेट वन। थैंक यू। कहें कपिल, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ ये करूंगा, थैंक यू सर भाई, लव यू भाई। परफेक्ट 10। Please welcome Bharti as Anushka, Siddharth as Hara Oont, and Kiku as Gulabi Bhains. Oh God! क्या यार तुम भी ना? Statue of Liberty क्या बना दिया? कितनी Liberty ले रही है? Hi friends, बताने की ज़रूरत तो नहीं मैं कौन हूँ, आप सबकी प्यारी अनुष्का। क्या हुआ? अरे अनुष्का, ये देखो। देखो अगर हिम्मत है तो। हाय इमरान, मैंने सुना कि आजकल तुम बहुत डाइटिंग पे हो, तो कॉमेडी सर्कस में तुम्हारा सबवे से स्वागत किया जाता है, लेकिन सॉरी बेबी, आज ब्राउन ब्रेड नहीं है, आज व्हाइट ब्रेड से चलेगा? चलेगा। 6 inches। देखा सोहेल जी, कॉमेडी सर्कस में टिके रहने के लिए एक मोटी लड़की को भी एक्सपोज करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, सुनो, अगर इस फिल्म में मैं होती तो फिल्म का नाम क्या होता? मटरू के पावर हाउस का मंडोला। पहचाना, मैं हूं गुलाबी भैंस। क्या इमरान, क्या अनुष्का, मेरे बिना ही प्रमोट करने आ गए फिल्म? सबसे ज्यादा इस फिल्म में एक्सपोज मैंने किया है। अनुष्का ने तो सिर्फ कम कपड़े पहने हैं, मैंने तो पहने ही नहीं है। वो तुम्हारा बेपरवाह के चारा चबाना, पूछ के साथ पीठ की मक्खियां हटाना, पल भर में गोबर का ढेर लगाना, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है घास, जब तक है घास, जब तक है घास। अनुष्का, क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं 2 कविता की लाइनें तेरे लिए भी बोल देती हूँ। तेरा ये धागे जैसा कमर का मटकाना, सुई के छेद में से तेरा गुजर जाना, हवा चले तो अपने आप को ईंट से बांध के रखना, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है अनुष्का, जब तक है अनुष्का, जब तक है अनुष्का।
दोनों ये बकवास बंद करो, समझे? ये तो मेरी फिल्म की पोएट्री है, ये फिल्म जो मैंने शाहरुख चाचू के साथ शाहरुख अंकल के शाहरुख खान के साथ की थी। तुम हर चीज उधर उधर क्या बोल रहे हो? अरे असली अनुष्का वो नहीं मैं हूँ, दूर से तो हर चीज छोटी लगती है। कौन? अनुष्का किधर है? अरे वो देख बैठी। अच्छा वो माइक के पीछे कोई बैठा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ए तू खुद को अनुष्का समझती है? हाँ। तो इमरान तुझे पसंद है? हाय रब्बा इतना पसंद है। परसों वाली बात बता दूं, मैं और इमरान ना बाइक पे ऐसे करके जा रहे थे और मेरे पापा ने देख लिया। फिर क्या, जिसका डर था वही हुआ। क्या? पापा ने रिक्शा के पैसे वापस ले लिए। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे ऐसे तो मेरी फैमिली भी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं कब से इस ऊंट के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे शादी करने ही नहीं देते। ऊंट, मैं तेरी शादी अपनी बहन से एक शर्त पे कराऊंगी। क्या? अगर तू मुझे अपनी पीठ पे बिठा के घुमाएगा। बेटो, अच्छा अनुष्का, यार अनुष्का तो सेकंड टाइम आई ना कॉमेडी सर्कस में। हाँ। है ना अर्चना जी, देखो सेकंड टाइम आई है, बदमाश कंपनी का बैलेंस पेमेंट दे दो, बार बार मांगने के लिए बेचारी आ जाती है। और है अनुष्का, आ जा, मेरे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आ जा। एक, एक, दो, ठीक से आ जाओ, ठीक से आ जाओ। तीन। अरे मोटी पागल हो गई है क्या? एक। अरे मेरे ऊंट को क्यों मार दिया? दो। अच्छा ठीक है, सॉरी, छोड़ो ना, टॉपिक चेंज करते हैं। अब तुम दोनों की बारी, अच्छे नंबर दो वरना एक। अरे दे दो नंबर, दे दो। एक मिनट यार, एक्ट गया भाड़ में। इमरान, कुछ पर्सनल बात करनी थी तुमसे। प्लीज, जितने भी एक्टर आते कोई मुझसे नहीं फंसता, तुम मेरे साथ फंस जाओ ना। आई नो कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन सुहेल और श्रुति भी तो शादीशुदा ये फंसे हैं, तो हम क्यों नहीं फंस सकते? जल्दी आके मुझे गले लगा लो वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अनुष्का, अब आपकी बारी और पूरा बदला लीजिए आप। भारती, आई एम योर ह्यूज फैन। ओह थैंक यू मैम। मेरे डैड और मॉम हमेशा हर संडे को कॉमेडी सर्कस देखते हैं, एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई एम एट होम, मैं भी बैठ के उनके साथ देखती हूँ, एंड आई ऑलवेज वेट फॉर योर एक्ट। आई थिंक यू आर फैंटास्टिक एंड आई रियली लव यू। थैंक यू सो मच। एंड सिद्धार्थ एंड किकू जी, यू ऑल वर वेरी वेरी क्यूट, आई लव यू बोथ एंड रियली रियली एंजॉयड योर एक्ट। आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। टेली टॉपीज की तरह। सुहेल, ये जो एक्ट था ये बहुत ही मुश्किल एक्ट था, बिकॉज ये जो हरा, ये जो गुलाबी, वॉचिंग यू गाइज आई थिंक इट वॉज फैबुलस एंड यू हैव गॉन फुल ऑन फॉर अ 10. 10 पॉइंट्स फ्रॉम सुहेल। अर्चना, राइटर्स की निडरता, कॉमेडी सर्कस की टीम की निडरता और आप तीनों की, और हमारा जो सारा टैलेंट है जो मंच पर आता है, ऑल ऑफ यू गाइज आर फियरलेस। इट वॉज नॉट अ परफेक्ट एक्ट, लेकिन आप तीनों ने जो किया है बहुत मुश्किल है। आपके राइटर्स ने ये लिखा हुआ भी परफेक्टली नहीं था, लेकिन मुझे लगता है जो जिस निडरता की मैंने बात की है वो काबिले तारीफ। 9 पॉइंट्स। थैंक यू मैम। अनुष्का और इमरान, मैं आपको कहना चाहूँगी कि कुछ महीनों पहले अक्षय जी आए थे, वो हमारे साथ नाचे थे बहुत और उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट गई, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी फिल्म सुपर डुपर हिट जाए। अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने आ रहे हैं सुदेश एस गुरु जोकानंद, कृष्णा एस चेला चुटकुलेश्वर एंड सिद्धार्थ एस इमरान। मट्टू और बिजली का मन डोला, पिक्चर है ये मटरू की और बिजली की, मन डोला भी इस फिल्म में अपना नाम कमा गया। मटरू बिजली का दिल डोला, क्या लगा के रखा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बाबा और चेला कुछ देर जंगल में क्या घूमने चले गए, यहाँ बंदरों को स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है।
अरे क्या लगा के रखा है, 20-20 मिनट के कमेंट दे रहे हैं आप लोग। हाँ अरे अर्चना जी का तो मैं समझता हूँ, इनकी मड जेटी 4 बजे निकलती है। सोहेल भाई आप तो खत्म करके घर पे निकलो यार। बेटा चुटकुलेश्वर जी। बाबा शांत हो जाओ, संगत देखो कितने खूबसूरत जोड़ी आई है। वाह कौन है ये? फेमस सुपरस्टार आमिर खान के भांजे इमरान खान। आमिर खान जरूर कहना, सिर्फ इमरान खान कह दो। अच्छा तो वापस पूछो, कौन है ये? इमरान खान। कौन? आमिर खान का भांजा बोलना। अरे बाबा बोलना पड़ता है यार, मैं भी गोविंदा का भांजा हूँ। नहीं तो क्या होता है, घर पे जाओ तो मामा लोग बहुत भड़कते हैं यार, समझा करो यार। शांत हो जाओ बेटा, ये खूबसूरत बिटिया सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर कौन है? अब ये बिंदु दारा सिंह जैसी अर्चना आपको सेक्सी लगने लगी है? इधर वाली, इधर वाली। ये लड़की बहुत तेज है बाबा, जब ये बंबई आई तो सीधा यश चोपड़ा के कैंप में घुस गई बाबा। वहां पर अचानक शाहरुख खान से मिली, शाहरुख खान के इनको अचानक अपनी फिल्म में ले लिया और अचानक वो फिल्म सुपरहिट हो गई बाबा। बेटा इसको टैलेंट वैलेंट मत समझो, ये लक होता है, लक। लक की बात मत करो बाबा, फिर इमरान भड़क जाएगा बाबा। लक के नाम पे बहुत भड़कता है बाबा इमरान। जब लक देखी थी तो थिएटर में भी खड़ा होकर बोल रहा था, व्हाट द लक इज दिस यार। नहीं नहीं बाबा, इनकी पिक्चर आ रही है बिजली की मटरू का मंडोला। वाह और फिल्म का नाम क्या है? यही फिल्म का नाम है बाबा। ये नाम है? हाँ। कौन सी भाषा में फिल्म है? हिंदी में है बाबा। हिंदी में? हाँ। और फिल्म का नाम तेलुगु में क्यों रखा? अरे तेलुगु में नहीं, हिंदी में ही है। देखो पता क्या है, नाम ऐसा ऐसे लगा किसी नांगे बाबे से वो तांत्रिक विद्या सीखने। मटरू बिजली का मंडोला, मटरू बिजली का मंडोला, मटरू बिजली का मंडोला। अरे अनुष्का जी इस फिल्म में क्या टैटू बनवाया यार आपने? देखो मगर प्यार से, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये जिस भी आर्टिस्ट ने बनाया होगा उससे पेमेंट नहीं ली होगी, है मजे मजे में बनाकर चला गया होगा। खैर ये जो आपकी पिक्चर आ रही है मटरू की बिजली का मंडोला, इसमें मैंने सुना एक गुलाबी भैंस भी है। वो भैंस एक आर्टिस्ट है फिल्म के अंदर, उसको पता है कितनी प्रॉब्लम होती थी। स्पॉट दादा उसके पास जाते थे, बोलते मैडम थोड़ा दूध दो ना, आपके लिए चाय बनानी है। वो भी बेचारी सोचती होगी काम तो मिल गया लेकिन कॉम्प्रोमाइज अभी तक करना पड़ रहा मुझे। Hi, this is आमिर खान, इमरान खान। कैसे आप लोग? बाबा बाबा बाबा। हाय। मेरे से बड़ा बाबा तो तू लग रहा है बे। बाबा बाबा। क्या? बाबा उधर है। बाबा बाबा प्रणाम। हाँ प्रणाम। पुत्र? बाबा। पुत्र कौन हो तुम? बाबा लगता है आपने पहचाना नहीं। बाबा मैं इमरान खान बाबा। इमरान खान? या बाबा। बिना चश्मे और दाढ़ी के इमरान खान को इन्होंने नहीं पहचाना, तू दाढ़ी मूछ लगाएगा तेरे को पहचानेंगे वो। अच्छा बोलो समस्या क्या है आपकी? एक्चुअली समस्या ये है कि जैसे मेरे जो मामा है ना आमिर खान जी, ये एकदम मामा लोगों ने बहुत समस्या कर रखी है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हर मामा की समस्या? अरे बात क्या हो रही है? बात पूरी सुन ले। हाँ। बात ये कि जैसे मेरे मामा है आमिर खान जी, वो इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाते हैं, मैं चाहता हूँ मेरी भी फिल्म उनके जैसे बन के हिट हो जाए। बेटे अगर ये चाहते हो ना तो बाबा के चक्कर में मत पड़ना, स्क्रिप्ट में ध्यान दो, स्क्रिप्ट में ध्यान दो तो ही आगे जाओगे। और सुनो तुम्हारे मामा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे उनके ऑटोग्राफ ला दो, क्योंकि हर हीरो का कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाता है, तेरे मामा आमिर खान का कहीं एंड नहीं होता। यकीन नहीं आता तो तलाश फिल्म देखो, कोई एंड नहीं फिर भी वो हिट है। इसलिए अब तुम सिर्फ स्क्रिप्ट में ध्यान दो, स्क्रिप्ट में ध्यान दो। में गई स्क्रिप्ट, मुझे स्क्रिप्ट की, मैं सीधा फिल्म बनाऊंगा, 2 सीन सलमान भाई के डालने पिक्चर हिट हो जाएगी। आप सिर्फ आशीर्वाद दो। जरूरी चाहिए? हाँ ठीक है, मेरे बेड के नीचे पड़ा है, ले जाओ सुबह वापस कर देना। अबे साले आशीर्वाद मांग रहा है, चप्पल नहीं मांग रहा। समझा? सोहेल साहब अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं लेटा लेटा बातें कर लूं। सोहेल भाई से क्या परमिशन मांग रहा है, जब वो सोते सोते हमारे एक्ट देख सकते, हम लेटे लेटे बोल भी नहीं सकते। उठो बाबा। बाबा आशीर्वाद, बाबा आशीर्वाद। हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दूंगा लेकिन मेरा पौवा किधर? लेकिन मेरी एक शर्त है बेटा। जी बाबा। अपनी फिल्म में मुझे छोटा मोटा लीड रोल दे दोगे? लीड तू करेगा तो मैं क्या करूंगा? बेटे देखो तुम्हारा मामा
आमिर खान वो तुझे और फिल्म दिला देगा, मेरा पप्पू मामा अगरबत्ती बेचेगा कि मुझे फिल्म दिलाएगा। ए बेटा तू क्या हंस रहा है, तू क्या हंस रहा है, तेरा मामा भी गोविंदा नहीं होता, तू भी अगरबत्ती बेचता। अगरबत्ती बेचता, मैंने तो दिमाग में तेल सोच रखा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, मैं बाबा कितनी उम्मीद लेकर आया था आपके पास, कितनी बड़ी उम्मीद। लाओ कहाँ है, लाओ उसको, उम्मीद को अंदर लाओ। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है तो हम भी टिक जाएंगे, लाओ उसको, लाओ उसको। अबे ओ देखो मेरी पिक्चर की, मैं प्रमोशन करना, मुझे मेरी पिक्चर हिट चाहिए। हिट करनी है ना, हाँ। तो उसमें खासियत क्या है भाई ये बताओ यार। इतनी बढ़िया पिक्चर है, हाँ। इतनी बढ़िया पिक्चर है कि हमारी जो भैंस है ना, हाँ। वो भी स्माइल देती है उसमें। अच्छा, हाँ। फिर हमारा हिट उससे भी ज्यादा शो हिट है, क्योंकि वो तो स्माइल देती है और हमारी खोल के मुंह लाफ्टर देती है। जोरदार तालियां बजाओ। कैसा लगा आपको ये एक्ट? कृष्णा एंड सुदेश, आपकी जो कॉमेडी है, अगर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे और कुछ सालों के बाद जब हमारे ही लोग हमको इज्जत देने लगे कि यार हमारे यहाँ कॉमेडियंस भी थे, तो यू विल बी कंसिडर्ड टू बी द लॉरेन हार्डी ऑफ इंडिया, बिकॉज यू गाइज आर वेरी गुड। वी हैव गॉट मोर टैलेंट इन दिस कंट्री विच आर पीपल, आर मीडिया, आर जर्नलिस्ट शुड रियलाइज। जो हम कर सकते हैं वो इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अर्चना, देर आर सम थिंग्स हम लोग अब आदि हो गए हैं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। स्क्रिप्ट में उतना दम नहीं था, लेकिन जो हम आप तीनों से एक्सपेक्ट करते हैं वो सब था, विच इज एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। थैंक यू, थैंक यू। अनुष्का, कृष्णा, सुदेश, आप दोनों इतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू ऑल हाउ गुड यू आर। यू गाइज वर फैंटास्टिक। एंड आपको मैं एक पर्सनल मैसेज देना चाहती हूँ। माई डैड, उन्होंने मुझे कहा था कि आप शो पे जाओगे तो कृष्णा सुदेश को बोल देना दैट I love you both, so I'll just pass on my father's message to you. He loves you guys. किसी तरीके I love you आपके मुंह से तो निकला। And Siddharth, आप बहुत छोटे हो, आप बहुत ही, आप कितने साल के हो? मैं 19 साल का हूँ। Fabulous यार, I mean I think you'll just grow on and become like a fabulous actor. Thank Very you. Good. Imran, जब भी मैं आपका performance देखता हूँ, I always enjoy it, और मैं हमेशा हैरान हो जाता हूँ कि आप इतने फ्री, इतने नेचुरल और इतनी आसानी से लोगों को इतना कैसे हंसाते हैं। इट इज़ अ वेरी रेयर टैलेंट। मुझे लगता है कि अब मेरी नौकरी खतरे में है। आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यार यू आर ओनली 19 ईयर्स ओल्ड। यू हैव अ वेरी ग्रेट फ्यूचर अहेड ऑफ यू यार। थैंक यू सर, थैंक यू, रियली गुड लक। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स। तो सुहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 10 पॉइंट्स फ्रॉम सुहेल। एंड अर्चना, लाइक आई सेड, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। Thank you so much, Imran and Anushka, for being on the very first episode of Comedy Circus Ke Ajoobe in 2013.